फ्रेंड देख पा रहा है आज TVS Apache RTR 160 बाइक आ चुका है। इसका बहुत ही ज़्यादा इसका देख पा रहा है फ्रेंड डिस्प्ले में पूरा इसका पूरा वाइजर में खोल के रखा, क्योंकि ये जो हेडलाइट है ना ऑन रेजिनेशन स्विच ऑन करने का बाद ही जो इस डिस्प्ले में जो लाइट देखने के लिए मिलता है वो पासिंग का, उसका न्यूट्रल का, इसका जो अपर डिपर का वो जो सिस्टम देखने के लिए मिलता वो काम नहीं कर रहा है। चलिए फ्रेंड आपको देखा था प्रूफ, देख पा रहे फ्रेंड वो ध्यान से देखने का। इस जगह पे मैं है ना पासिंग लाइट प्रेस करने के बाद में भी इस लाइट जलना मांगता है। देखें एक जो रिले देख पा रहे फैन इसका नीचे ये पासिंग रिले है, नीचे का साइड देख पा रहे फैन ये होगा आपका पासिंग रिले। जब भी मैं उसको प्रेस करेगा प्रेस करने के बाद इसमें एक आवाज़ आना मांगता, देख पा रहे फैन मैं अभी पासिंग का लाइट चालू करके देखा रहा है पासिंग का रिले। जब भी मैं बटन प्रेस करेगा ना डिस्प्ले का ऊपर एक पासिंग का जो है ना वो सिम्बल देखने के लिए मिलता है, लेकिन वो नहीं दिखाई दे रहा है। देख पा रहे फैन अभी आवाज़ सुन पा रहा होगा फिर डिस्प्ले में लाइट कुछ भी काम नहीं कर रहा है। चलिए फिर अभी इसको सबसे पहले ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं और भी चीज़ देखा देता, पासिंग का तो देखा दिया, आप अपर डिपर का मैं देखा देता ठीक है, लेकिन फ्रंट साइड में देखो ठीक है स्टार्ट करके मैं भी देखा देता प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कैसा ठीक है। देख पा रहे फिर गाड़ी भी स्टार्ट करके लिखा, पासिंग का जो पहले बताया वो तो काम, लेकिन पासिंग रिले मतलब पासिंग का लाइट काम कर रहा है। देख पा रहे फिर फ्रंट साइड में देख सकता, देख पा रहे और पासिंग का जो है ना वो काम कर रहा है प्रॉपर। न्यूट्रल का सिंबल है ना वो भी नहीं देखने के लिए मिल रहा है, और हेडलाइट का अपर डिपर वो भी देखने के लिए नहीं मिलता, मतलब ये डिस्प्ले के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ। क्या इसका वायरिंग हार्डनेस कुछ काटा है क्या क्या है? चलिए फैन मैं अभी ये डिस्प्ले पूरा ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं आपको डिटेल का साथ में देख देता प्रॉब्लम कहाँ पर और किस जगह पर है। देख सकता फैन इसका जो राइट साइड में एक स्क्रू रहता है यहाँ पे, और लेफ्ट साइड में एक रहता है स्क्रू यहाँ पे। देख पा रहा फैन ये जो 480 स्क्रू ये दोनों निकल दिया, और फ्रंट साइड में एक इधर से 3 नंबर का जो बोल्ट है उसको भी निकल दिया। उसके बाद इसको आसानी से देखो निकल जाएगा, देख पा रहा फैन ये आसानी से ये निकल के बाहर आया ठीक है। अभी क्या करने का ये जो फैन आपको मैं डिटेल के साथ देखा दे रहा है, ये जो कपलर है ना मैं कपलर को निकालता है, निकालने के बाद इसमें प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है कि नहीं है मैं आपको डिटेल के साथ में देखता हूँ। देख सकते पर ये जो कपलर है ना कपलर को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये साइड पे बैक साइड में देख पा रहे फैन इस लॉक रहता है, ये लॉक को इस तरीके से प्रेस करने का, देख पा रहे हैं इस लॉक को प्रेस करने के बाद थोड़ा बैक खींचने का, देख पा रहे फैन ये आराम से रिमूव हो गया। चलो फैन आपको एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको देखा देता। चलो फ्रेंड अभी इस कपलर को मैं निकाल दिया, अभी क्या करना है डिस्प्ले का ऊपर जो बैक साइड में यहाँ पे देख पा रहे एक स्क्रू, यहाँ पे एक स्क्रू, यहाँ पे एक स्क्रू, यहाँ पे एक स्क्रू। चलो इतना सारा स्क्रू ओपन करता, ओपन करने के बाद आगे का प्रोसेस आपको देखा था। देख पा रहे फ्रेंड अभी मैं डिस्प्ले को पूरा खोल के मैं यहाँ पे लेके आया गाड़ी, देख पा रहे फ्रेंड अभी फ्रंट साइड में आपको देखने के लिए मिल रहा है। अभी क्या करना का इस पार्टीशन को अलग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देख पा रहे फ्रेंड आपको पहले बताया यहाँ पे जो 3 स्क्रू 4 स्क्रू था यहाँ पे इस जगह पे 4 स्क्रू था, हम इसको ओपन करके ले। ओपन करने के बाद अभी क्या करने का ये साइड में आपको ठीक है ये साइड में आपको मैं अभी अलग कर दिया, देख पा रहे फ्रेंड ये अलग हो चुका। अभी क्या करना है इस पार्टीशन को पूरा अंदर का अगर निकालने के रहेगा आपको 6 स्क्रू ओपन करना पड़ेगा, देख पा रहे फ्रेंड आपको अभी डिटेल के साथ में देखा दे रहा है कौन सा इस जगह पर एक, इस जगह पर एक, इस जगह पर एक, और फ्रंट साइड में देखा देता है इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह मतलब फ्रंट साइड में इसका 3 स्क्रू देखने के लिए मिलेगा, और रियर साइड में आपको 3 स्क्रू देखने के लिए मिलेगा, मतलब इसमें टोटल 6 स्क्रू लगा रहता है। अगर ये इतना सारा स्क्रू निकल दिया तो आपका 100% ये पूरा निकल जाएगा। चलिए फ्रेंड मैं निकालता, निकालने के बाद आगे का प्रोसेस आपको बताता। देख पा रहे फ्रेंड अभी जो 6 स्क्रू था मैं इसको ओपन करके लिया, अभी देख पा रहे फ्रेंड अच्छे से ये रिमूव हो गया। दो आपको बैक साइड में देख पा रहे फ्रेंड यहाँ नीचे का साइड अभी दो इसका कंडीशन देखने के लिए मिल रहा है, ये जो है ना ये किसका है ये हो गया आपका रिसेट का, और मूड का जो सेट का बटन रहता है ना मूड का बटन रहता है इस जगह पे देख पा रहे फ्रेंड ये मूड का एक सेट का है इस दोनों का है। और चलिए फ्रेंड इसको मैं अलग करता हूँ ठीक है, इसको अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको इस जगह पर ठीक है, इस जगह पे देख पा रहे हैं इस जगह पे एक स्क्रू, इस जगह स्क्रू, इस जगह पे स्क्रू, ये पूरा निकालता, निकालने के बाद में आगे का प्रोसेस आपको देखा था। देख पा रहे फ्रेंड अभी यहाँ पे जो स्क्रू में निकल दिया, अभी ये जो डिस्प्ले देख पा रहे फ्रेंड इसको निकालने के लिए एक ये जो है इसको जब तक नहीं निकलेगा ना अंदर का साइड एक स्क्रू आपको दिखाई दे रहा है, इस स्क्रू को है ना निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको लॉक रहता है, लॉक को है ना थोड़ा सा इसको बैक खींचने का
ठीक है, इस तरह खींच के वो बाहर निकाल दे, क्योंकि मैं निकाल के लिया अभी, ठीक है, दो इसका लॉक रहता। चलो फ्रेंड अभी आपको इस ये वाला इसको है ना इसको निकालता, निकालने के बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाता। देख पा रहे फ्रेंड अभी इस वाला पोजिशन में निकाल दिया, अभी इसको है ना उसको भी निकाल दिया। अभी इसको अलग करने का, अलग करने के लिए ये साइड में देख पा रहे जो जैक है, जैक को इसको पुश करने का, देख पा रहे फ्रेंड इजी से पुश कर रहा है मैं। हाँ आप देख पा रहे होगा फ्रेंड, देख पा रहे फ्रेंड कितना अच्छा से इजी से निकल चुका, ठीक है, ये पूरा अभी डिस्प्ले अलग हो चुका। प्रॉब्लम कहाँ पे और किस जगह पे मैं आपको देखा था। चलो फ्रेंड वीडियो देखते रहे। फ्रेंड अभी क्या करने का, इतना सारे अभी ये जो डिस्प्ले है ना आपको पता चलेगा क्या इसके अंदर कौन सा क्या खराब है, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये डिस्प्ले है ना, क्योंकि जो डिस्प्ले का जो डिजिटल का काम करता उसी जगह पे लेके गई काम करना मांगता। लेकिन मैं क्या कर रहा है, क्योंकि ये जो क्यों खोला मैं इसको, क्योंकि इसमें है ना थोड़ा बहुत पानी गया था, ठीक है, ये पानी जाने के बाद इस तरीके से प्रॉब्लम आया, ठीक है। मैं अभी क्या करता इसको पूरा अच्छा से इसको पहला क्लीन करता है, क्लीन करने के बाद ही मैं डिटेल का साथ में आपको देखा था चालू हुआ का नहीं हुआ। देख सकता फैन मैं डिस्प्ले को अभी यहाँ पे लेके आया, ठीक है, लेकर आने के बाद क्योंकि ये है ना धूप में मैं कम से कम आधा घंटा खड़ा रखा था, क्योंकि इसमें पानी भी गया था, पानी जाने के बाद में भी इसका प्रॉब्लम आ चुका, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना कहाँ पे है अब मैं आपको देखा था, क्योंकि मैं को चालू करके देखा था, क्योंकि चालू हो रहा है आपको प्रूफ देखा था। देख पा रहे फैन ये जो वायर है ना ब्लैक प्लस ये जो है ना ब्लैक प्लस वाइट लाइन ये अर्थिंग का हो गया, और दूसरा जो है ना ये जो देख पा रहे फैन ब्राउन कलर का ये हो गया आपका 12 वोल्ट का सप्लाई, मतलब इग्निशन स्विच ऑन करने का बाद ही इसमें 12 वोल्ट का सप्लाई आता है, ठीक है, आप समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। तो फिर अभी क्या करेगा इसमें से पूरा फंक्शन काम कर। चलो फ्रेंड मैं अभी इसको पूरा है डिस्प्ले को मैं फिटिंग करता, इसका लेफ्ट साइड का इंडिकेटर, राइट साइड का इंडिकेटर और जो इसका न्यूट्रल का सिंबल और हेडलाइट का सिंबल मैं अभी आपको चालू करके दिखाना वाला। चलो फ्रेंड वीडियो देखते रहे। पर फ्रेंड अभी है ना ये जो भाई है ना पूरा असेंबल करके लिया, अभी चलो फ्रेंड सबसे पहले ऑन का, तो ऑन करने के बाद आपको देखा था अभी काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। देख पा रहे फ्रेंड अभी काम करना चालू हो गया, अभी आपको देखा था न्यूट्रल कर रहा है ना, न्यूट्रल करने के बाद आपको देखा था, क्योंकि गिरा अभी गियर में है गाड़ी, देख पा रहे फैन, देख पा रहे अभी न्यूट्रल का सिंबल आपको देखने के लिए मिल रहा है, मतलब ये इधर का सही होगा। अभी चलिए फैन गाड़ी स्टार्ट करके आपको देखा था पचिंग का, इसका अपर डिपर का काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। देख पा रहे फैन अभी देखो ध्यान से, देख पा रहे फैन अभी कितना अच्छा से काम करना चालू होगा, इंडिकेटर का देखो ये भी काम करना चालू होगा, देख पा रहे फैन ये अच्छा से पूरा अभी काम पूरा फिट होगा। चलो फैन मेरा वीडियो देख के अगर लगता है थोड़ा बहुत सीखने के लिए मिला, जोर से एक लाइक कर दिया, चैनल पर ना है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।